नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक अनाथ व दिव्यांग युवती के बारे में बता रहे हैं, जिसने संघर्ष की राह पर चलकर अपने आप को भी दिव्यांग होने का एहसास नहीं होने दिया और अपनी मेहनत लगन से आत्मनिर्भर बनकर मिसाल पेश की है। तो वही एक सामान्य युवक ने दिव्यांग युवती से विवाह कर अनूठी मिसाल पेश की है। साथ ही दिव्यांग अनाथ युवती का विवाह कराने में संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित जोशी के सराहनीय कार्य को भी नहीं भुलाया जा सकता है, जिन्होंने पिता का फर्ज निभा पूरी रीति रिवाज के साथ विवाह सम्पन्न करवाया। बीते लंबे समय से समाज सेवा शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करती आ रही है। संकल्प फाउंडेशन ने एक अनाथ व दिव्यांग छात्रा का विवाह कराकर सामाजिक नैतिक कर्तव्य की मिसाल पेश की है। संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित जोशी ने कन्या के विवाह की जिम्मेदारी ली और कन्यादान कर पिता का दायित्व निभाया। बात करें दुल्हन भावना की, तो माता पिता का साया सिर से उठने के बाद भी भावना ने अपनी शिक्षा जारी रखते हुए स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्प फाउंडेशन द्वारा चंपावत में सक्षम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स पूर्ण किया था। वो वर्तमान में वह घर से ही एक प्रतिष्ठित ऑनलाइन कंपनी पर ऑनलाइन डाटा एंट्री का कार्य करती हैं और आत्मनिर्भर हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें दूल्हे की, तो त्रिलोक ने एक दिव्यांग कन्या से विवाह कर मिसाल पेश की है। हालांकि वह चाहते तो किसी भी सामान्य लड़की से शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भावना की शारीरिक अक्षमता को नहीं बल्कि मेहनत एवं लगन को तथा अच्छाई को देख भावना से विवाह किया। त्रिलोक हैदराबाद में होटल लाइन में जॉब करते हैं और आत्मनिर्भर हैं। भावना से विवाह कर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बीते दिवस बुधवार को नाकोट शिव मंदिर में संकल्प फाउंडेशन द्वारा भावना का विवाह गंगोलीहाट निवासी त्रिलोक सिंह के साथ संपन्न कराया गया। भावना के माता पिता की मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी थी, जिस कारण अमित जोशी ने भावना की शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला लिया। भावना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका विवाह पारंपरिक तरीके से होगा, जिसका सपना हर लड़की देखती है। सारी तैयारियां होने के बाद संकल्प फाउंडेशन द्वारा संचालित सक्षम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में बीते 8 मई को गणेश पूजा, सुवाल पथाई, 9 मई को मेहंदी हल्दी कार्यक्रम संपन्न हुए और 10 मई को नाकोट के शिव मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ भावना और त्रिलोक का विवाह संपन्न कराया गया। बाद में संस्था ने भावना और त्रिलोक को मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित करवाकर कानूनी तरीके से भी विवाह कराया। इस मांगलिक कार्य को संपन्न कराने में स्वदेशी सनातन संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति के सचिव ललित धानिक एवं एडवोकेट PS धामी ने सहयोग किया। इस अवसर पर बजरंग दल दुर्गा वाहिनी की जिलाध्यक्ष किरण प्रसाद, संकल्प फाउंडेशन के सचिव दीपक सिंह बोरा, सीमा पांडे, हिमांशु, अंकित, सुमित, सक्षम जिलाध्यक्ष चंपावत हिम्मत सिंह आदि मौजूद थे। इधर संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित जोशी ने बताया कि वे इससे पूर्व भी दिव्यांगजनों के विवाह संपन्न करा चुके हैं। फाउंडेशन द्वारा समाज सेवा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को लेकर तमाम लोगों ने सराहना की है। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। नमस्कार, श्री माँ नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय कैलाश आश्रम सुवाकोट वड्डा, जो कि निःशुल्क आवासीय विद्यालय है और संस्कृत शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। इच्छुक अभिभावक अपने नौनिहालों को यदि संस्कारवान व आधुनिक शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं तो विद्यालय में संपर्क करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।